थोड़ा बताइए कैसे कैसे इसको मिक्स करते हो। दीदी, अब इसमें मिलाएंगे ये पूरी, इसको भिगाएंगे। से गड्ढा करके और फिर इसमें पानी डाल के हम मिक्स करना है। ये पानी डाल दो। उसके बाद ये इसको ऐसे करके मिक्स करेंगे। दीदी, आधा पानी तो डाल दिए, अब बचा हुआ पानी फिर डालेंगे इसमें ऐसे गड्ढा करके। अब ये दीदी पूरा मिक्स हो गया, अब इसको भिगो लिए। अब हाँ भी इसको कितना टाइम तक सुखाना पड़ेगा भी? अब इसको 3 घंटा तक सुखाएंगे घाम में, इसके बाद है तो रख देंगे फिर। अच्छा, इसको अभी ले जाके बोएंगे कि जिस समय फसल डालेंगे उसमें? अब फसल लगे हैं सब्जी वगैरह तो ले जाके भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं, फसल नहीं है तो। और भैया अभी तो इतना गीला करते हैं, लेकिन बारिश के समय में अगर जैसे रोपा लगाना है तो वहाँ बुआई करना है तो उसमें इतना ही गीला करना पड़ेगा कि इससे कम? अब इतना ही पानी में हम 1 गिलास अमृत पानी और 10 गिलास पानी में है तो इसको 10 किलो कर लेंगे गोबर खाद को, तो कुछ कम हो जाएगा। तो उसको तुरंत उपचार करके और ले जाके बुआई कर। हाँ, तुरंत उसको कर सकते हैं फिर बुआई।